तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं या आप अपना नया बनाना चाहते हैं या आपको कलर प्रिंट करवाना है A4 साइज में, तो उसका क्या है चार्जेस, कौन सा फ्री है, कितने में क्या कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में क्या अपडेट आया हुआ, जिसमें क्या है चार्जेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है आधार कार्ड की मेन वेबसाइट में, और यहाँ पे माई आधार पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा चार्जेस फॉर UIDAI सर्विस आधार केंद्र, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आपको एक PDF फॉर्म मिल जाएगा, और PDF फॉर्म मिलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्जेस आपको दिखाए जा रहे हैं वो यहाँ पे दिल्ली के दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आप देखिए 7th फ्लोर पे UIDAI हेडक्वार्टर्स बंगला साहिब रोड एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली का है, 2019 का है अपडेट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आधार इनरोलमेंट फ्री है, यानी आधार अगर आप बनवाते हैं नया तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर आप डेमोग्राफी अपडेट करवाते हैं तो अगर डेमोग्राफी या बायोमेट्रिक अगर आप अपडेट करवाते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा ओनली 50 रुपीज़ चार्ज, बहुत ही कम चार्जेस है दोस्तों अगर आप हेडक्वार्टर में आप जाते हैं अपडेट कराने के लिए तो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार सर्च यूजिंग EKYC एंड फाइंड आधार एनी अदर टूल्स एंड कलर प्रिंट आउट ऑन A4 सीट, अगर आप इसको कलर प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं इनकी मेन वेबसाइट से, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 30 रुपये चार्ज देना पड़ेगा पर आधार का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पर आधार 30 रुपये चार्जेस है, अगर अपडेट करवा रहे हैं तो 50 रुपये चार्जेस है, अगर आप नया बनवा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल वहाँ का अपडेट दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट दिल्ली का। यहाँ पे देखिए इनके मोहर भी लगी हुई है डिप्टी डायरेक्टर साहब की, यहाँ पे डायरेक्ट मोहर लगी है, और यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इससे भी सर्टिफाइड है ये। तो दोस्तों अगर आपको ये अपडेट कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।